प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास थर्ड चैप्टर 5 द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी यानी हम लोगों का शरीर। इस चैप्टर में हम उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। आपको ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें राइमिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। चीक से राइम करता हुआ वर्ड होता है नेक, थिन चिन, डम थाम, साउथ माउथ, सी नी, नोज रोज, नोज ट्रेन ब्रेन, कार्ट हार्ट। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। जो ह्यूमन की बॉडी होती है, हम लोग की बॉडी जो होती है वो मशीन की तरह काम करती है। लाइक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मशीन, जैसे मशीन के डिफरेंट पार्ट होते हैं, आर बॉडी ऑल्सो हैज डिफरेंट पार्ट्स। हमारी बॉडी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी हैज सम टास्क टू डू, और हमारी बॉडी के हर पार्ट का कुछ ना कुछ काम होता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे छोटी से छोटा जो पार्ट होता है उसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। जैसे हम दीवारें बनाते हैं, दीवार में एक एक ईंट लगती है और उससे पूरी दीवार का बनती है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी है। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं हमारी बॉडी के सेल्स कहलाते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आर ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत तरह तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स ऑफ सेम टाइप, सेल्स ऑफ सेम टाइप आर कम्बाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। और जब एक जैसे सेल मिल जाते हैं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। जब एक जैसे सेल मिल जाते हैं तो उसको टिश्यू कहते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। टिश्यू आर कम्बाइंड टुगेदर इनटू अ ऑर्गन। और जो टिश्यूज होते हैं, जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। दैट कैरी आउट आर एवरीबडी एवरीडे एक्टिविटीज। टिश्यूज आर कम्बाइंड टुगेदर इनटू ऑर्गन्स दैट कैरी आउट आर एवरीडे एक्टिविटीज। और वो सारे ऑर्गन्स जो हैं हमारे प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ को चलाते हैं। सम ऑर्गन वर्क टुगेदर टू डू सेम टाइप ऑफ टास्क। कई सारे जो ऑर्गन होते हैं मिलकर एक जैसा टास्क पूरा करते हैं। डेट फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप एन ऑर्गेनिज्म, और सभी ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक सेल है। सेल बहुत सारी सेल मिला तो टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन बना, और बहुत सारे ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बने तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है पूरी बॉडी जो अपने आप में डिफरेंट टास्क को पूरा करती है, उसमें सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं। आर ऑर्गन सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गन्स के एक ग्रुप होते हैं। दैट वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, टू डू वन मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के एक मुख्य फंक्शन को, मुख्य काम को करने के लिए वो पूरा जो ग्रुप होता है ऑर्गन्स का वो मिलकर काम करता है। ऐसे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में कई सारे हैं। इसके जो पर्पल कलर से इसमें लिखा हुआ है, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन क्या होता है? हमारी बॉडी का जो एक पूरी बॉडी को जिससे शेप मिली है वो होता है स्केलेटन सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन।
जो मनुष्य का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। दीज बोन्स जॉइन टुगेदर, ये सारी हड्डियाँ एक साथ जुड़ती हैं टू फॉर्म अ स्केलेटन, और एक स्केलेटन बनाते हैं यानी हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं। स्केलेटन प्रोवाइड शेप्स एंड सपोर्ट टू आर ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को, ह्यूमंस की बॉडी को सपोर्ट देता है और एक शेप देता है। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इनर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, उनकी सुरक्षा भी करता है। द ब्रेन इज सपोर्टेड, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और जो हमारी बॉडी में जो ब्रेन होता है वो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है और वो स्कल नाम के जो स्केलेटन सिस्टम है उससे कवर रहता है। द रिब केज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड लंग्स। और जो रिब केज भी स्केलेटन सिस्टम का एक नाम है। रिब केज हमारे चेस्ट वाले पोर्शन में होता है और वो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। नर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइनल कॉलम। जो नर्व्स होती हैं हमारे पूरे ब्रेन में जितने भी सेंसेशन होते हैं उनको ब्रेन तक ले जाना और लाने का काम जो नर्व्स करती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड कॉलम होती है। स्पाइनल कॉलम का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन। ह्यूमन एंड जिराफ, एक येलो रेक्टेंगल में ह्यूमन एंड जिराफ हैव द सेम नंबर ऑफ बोन। ह्यूमन में और जिराफ में बोन्स का जो नंबर होता है सेम होता है यानी 206। इन देयर नेक, बट जिराफ नेक बोन्स आर जस्ट बिगर इन साइज। लेकिन जिराफ की जो बोन्स होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, इसीलिए उसकी गर्दन थोड़ी लंबी होती है। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम से नाम से आपको समझ में आ रहा है इसमें मसल्स होते हैं। मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 600 मसल्स। मस्कुलर सिस्टम 600 से भी अधिक मसल से मिलकर बना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द मसल्स इज़ मूवमेंट। मसल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो मूवमेंट होता है। हम अपनी बॉडी को, अपने हाथ को, पैर को, नेक को, जितनी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं वो मसल्स की हेल्प से ही करते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन। अब मसल्स जो होती हैं वो बोन से जुड़ी हुई होती हैं एंड हेल्प अस टू मूव, और हमारे मूवमेंट में, हमारे चलने फिरने में सहायक होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। दे हैव एन एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। उनमें क्षमता होती है कि वो सिकुड़ पाएँ और फैल पाएँ, विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ आर ऑफ अदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ताकि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, दूसरे पार्ट होते हैं, वो मूव कर पाएँ। द हार्ट मसल्स कंट्रोल द बीटिंग ऑफ हार्ट। और जो हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं वो हमारे हार्ट को बीट करने में यानी हृदय को धड़कने में हेल्पफुल होती हैं। फेशियल मसल्स हेल्प अस टू स्माइल एंड फ्रॉन एंड टॉक। और जो हमारे फेस की मसल्स होती हैं हमारे खुश होने में, हमारे नाराज़ होने में, हमारे बात करने में, इस जगह भी वो हमारे एक्सप्रेशन शो करने में काम आते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल लर्न डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम सब जानते हैं ये डाइजेशन से रिलेट करता है। हम जहाँ से खाना लेते हैं, खाने का पूरा, खाना शुरू करने से लेके उसके पचाने तक की जो पूरी एक्टिविटीज़ होती है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा करते हैं, के साथ करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ आर फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारे भोजन को पचाने में का काम करता है। Digestion is a process of changing of food into the simpler forms so that it can be absorbed by our body. जो digestive system होता है या digestion जो होता है हमारे जो खाने को सबसे छोटे part में बदलता है ताकि वो हमारी body के द्वारा absorb हो पाए।
द डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, और डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। आवर टीथ ब्रेक डाउन द फूड, जो हमारे दांत होते हैं वो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। द फूड देन मिक्स विद द सलाइवा, और जो टूटा हुआ खाना होता है, पिसा हुआ जो खाना होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है एंड बिकम सॉफ्ट, और वो सॉफ्ट हो जाता है। द सॉफ्ट फूड देन पासिस थ्रू द फूड पाइप, और जो सॉफ्ट फूड होता है वो फिर हमारे खाने का जो एक पाइप होता है वो उससे अंदर चला जाता है एंड गोज टू द स्टमक, और हमारे स्टमक में चला जाता है। इन द स्टमक इट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूस, जब ये पेट में चला जाता है तो जो हमारा खाना होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म अ पेस्ट, और एक तरह का पेस्ट बन जाता है। आफ्टर दैट, इसके बाद इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद ये छोटी आंत में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में छोटी आंत बोलते हैं। वेयर द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब्ड, वहाँ पर सारे जो फूड के यूजफुल पार्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द ब्लड एंड कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और यूजफुल पार्ट पूरी बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड के साथ। एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जितना भी अपच खाना होता है, जो पच नहीं पाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एंड इट थ्रो आउट थ्रू द एनस, और वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जिस पार्ट से खाना बाहर निकाला जाता है, यानी वेस्ट मटेरियल बाहर निकाला जाता है, उसको एनस कहते हैं। नाउ यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको बनाना है। इसमें सबसे ऊपर टंग लिखा हुआ है, उसके बाद फूड पाइप, रेड पोर्शन जो है उसे लिवर कहते हैं, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है उसको स्टमक कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई काफ़ी अच्छी होती है, वो कॉइल हो गए पूरा पाइप की तरह। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो एनस है। ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना भी होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन वर्ड से हम जानते हैं सांस लेना, यानी ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना रेस्पिरेशन होता है। और रेस्पिरेशन को जो सिस्टम मेंटेन करता है उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ एयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से हम सांस ले पाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ एयर इन थ्रू आवर नोज, जो हम सांस लेते हैं वो अपनी नाक की मदद से लेते हैं। इट देन गोज टू द लंग्स, और जो हम हवा ले जा रहे हैं अंदर वो इस नाक के बाद लंग्स में जाती है थ्रू द विंड पाइप के द्वारा। द लंग्स एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रॉम द एयर, जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वी टेक इट इन, उसे हम अंदर की तरफ ले लेते हैं। एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें छोड़ देते हैं। द ऑक्सीजन इज सेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज दी जाती है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। हम नोज से एयर अंदर ले रहे हैं, उस एयर जो है, मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, एयर जो है विंड पाइप के साथ हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स उस एयर की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में मिला छोड़ देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में चली जाती है और हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है प्रॉपरली। नाउ वी विल लर्न सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है। सर्कुलेशन यानी एक चीज़ को दूसरी जगह तक ले जाना और दूसरी जगह से बची हुई चीज़ों को बाहर निकालने के लिए लाना सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट, और बॉडी के से वेस्ट प्रोडक्ट को ला देता है।
द हार्ट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है. मैनी ट्यूब्स कम आउट फ्रॉम द हार्ट्स. हार्ट से बहुत सारी नलियाँ ट्यूब्स बाहर निकल रही होती हैं, उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं. हार्ट जो है, द हार्ट पम्प द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू दीज ब्लड वेसल्स. जो हार्ट होता है इन्हीं ब्लड वेसल्स से पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाता है और लाता है. यहाँ आपको सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें एक तरफ इम्प्योर ब्लड आपको दिख रहा है, एक तरफ प्योर ब्लड यानी रेड ब्लड आपको दिख रहा है. इस तरह होता है. ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में एक तरफ इम्प्योर ब्लड है एक तरफ प्योर ब्लड. हार्ट का कुछ पार्ट जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है और लंग्स तक ले जाता है, और लंग से प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी का मतलब होता है, एक्स मतलब होता है बाहर निकालना. अननेसेसरी चीज़ों को, हमारी बॉडी के टॉक्सिक्स को बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है. यहाँ साइड में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी दिख रहा है. एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आर बॉडी. एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है. किडनीज आर द मेन पार्ट ऑफ आर एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनी जो होती हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट होती हैं. दे क्लीन द ब्लड एंड थ्रो आउट द यूरिन. ये ब्लड को साफ करती हैं और यूरिन को बाहर फेंकती हैं या निकालती हैं. द स्किन रिमूव द स्वेट. स्किन जो है वो पसीने के तौर पर, पसीने के रूप में हमारे टॉक्सिक्स को बाहर निकालती है. एंड लंग्स थ्रो द कार्बन डाइऑक्साइड. और लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. इन सब से मिलके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है. किडनी का, स्किन का और लंग्स का हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में नाम ऐड किया होता है. यानी किडनी हमारे ब्लड से एक्सक्रीटरी पार्ट को निकाल के यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है. स्किन टॉक्सिक्स को स्वेट के रूप में बाहर निकालती है. और लंग्स टॉक्सिक्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. नाउ कम ऑन द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व. नर्वस सिस्टम, नर्व से नाम से ही समझ में आ रहा है, ये नर्व से रिलेटेड सिस्टम है. और नर्वस सिस्टम बहुत सारी नर्व से मिलकर बना होता है. इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम ऑफ आर बॉडी. और ये हमारी बॉडी के सारे कामों को कंट्रोल करता है. दे टेल अस व्हाट टू डू. ये हमें बताता है क्या काम करना है. ब्रेन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. और ब्रेन जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है. इट कंट्रोल ऑल आर एक्शंस. ब्रेन जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, जैसे देखना, सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग, वॉचिंग एक्सेट्रा थ्रू नर्व्स. जो ब्रेन होता है, क्या सुनना है, क्या देखना है, कहाँ चलना है, क्या वॉच करना है, ये सारी चीज़ें नर्व्स के द्वारा कंट्रोल करता है. द ब्रेन इज़ अटैच्ड टू आवर ईच पार्ट ऑफ द बॉडी. द ब्रेन इज़ अटैच्ड टू ईच पार्ट ऑफ आर बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. जो ब्रेन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है. वो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, और वो हमारे सारे सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, और ब्रेन के सारे सेंसेशंस को हमारी बॉडी तक पहुंचाती हैं. स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग बंडल ऑफ नर्व्स एट द एंड ऑफ ब्रेन. ब्रेन के बिल्कुल नीचे यानी जहाँ हमारी गर्दन होती है, गर्दन के नीचे से बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी नर्व्स का पूरा बंडल हमारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में जाता है. व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ हॉट कप ऑफ मिल्क. आपने कभी देखा है जब एक दूध का गर्म कप हम छूते हैं, वी पुल बैक आर हैंड बैक. हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं विथ सडन जर्क. अचानक से क्यों खींच लेते हैं बच्चों? दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि आर स्किन इज़ अ सेंस ऑर्गन. हमारी जो स्किन है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है. व्हेन आर सेंस ऑर्गन फील एनी सेंसेशन. जब हमारे जो सेंस ऑर्गन है कोई भी सेंसेशन को फील करते हैं, कोई भी गर्माहट या ठंडेपन को महसूस करते हैं, तो हमारी जो स्किन की नर्व्स होती हैं एक मैसेज सेंड कर देती हैं ब्रेन में. क्या मैसेज सेंड करती हैं? ये गर्म है या ठंडा. एंड मेक अस फील टू टेक आर हैंड बैग.
और हमारे हाथ को पीछे खींचने के लिए ब्रेन उनको एक मैसेज देता है और हमारा हाथ उसको अपने हाथ को गर्म चीज़ों से दूर कर लेता है। नाउ वी विल लर्न रिप्रोडक्टरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि अपने ही जैसे बेबीज़ बनाना रिप्रोडक्टिव सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज़। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बेबीज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैन और वुमेन में अलग अलग के अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे जब आप हायर क्लासेस में आएंगे। यहाँ आपको बुक वर्क दिया हुआ है जो टिक हो रहा है, ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। यहाँ पर एक डायग्राम है जो आपको अपने नोटबुक में बनाना है। एक प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, एन ऑर्गन सिस्टम, एनी ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर बॉडी, ये आपको एक चार्ट पे बनाना है। चार्ट के 4 पीसेज आपको करने हैं और 1 पीस में आपको ये बनाना है। ये आंसर की दी हुई है साथ में। नेक्स्ट आपको जो वर्क कॉपी में लिखना है वो आपको यहाँ इस शीट में है, ये आप पूरा कॉपी में अपना लिखेंगे।